क्या हाल है? मैं बता रहा हूँ नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम वापस अपने माइनक्राफ्ट के वन ब्लॉक वाले जो मैप है उसमें आ चुके हैं। और मे भी आपको याद होगा कि लास्ट में हमने क्या किया था। लास्ट में हमने कुछ भी नहीं किया था, लास्ट में बस हम लोगों ने स्नो फार्म और ये ऊँट को बनाया था, मतलब ये स्टोन जनरेटर को बनाया था। और मैंने ऑफलाइन कुछ प्रोग्रेस किया, मैंने ऑफलाइन क्या किया मैं बताता हूँ। मैंने बस इस पूरे एरिया को एक्सपेंड किया, थोड़ा बढ़ा दिया ताकि मैं यहाँ से गिर ना जाऊँ वर्क करते हुए। तो हाँ, कुछ खास नहीं किया है, बट मैंने कई सारे एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर कर दिए हैं इसमें, सो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, मैंने सारे के सारे एनिमल्स अंदर से लामा को छोड़ करके, और ये लामा तब आता है जब ट्रेडर आता है। और यहाँ मेरे को समझ में आ गया, वो ट्रेडर नीचे है और वो गायब है। ओ हो, गायब नहीं तो वो नीचे झूल रहा था, बट अब वो पूरी तरह से नीचे झूल चुका है, मतलब नीचे जा चुका है। मत वो वहाँ कर क्या रहा था? अरे, और मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया था। मेरे को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। ओके, तो मुझे एक पीस तो ही मिल गया है कम से कम। ये एक भी बहुत काफ़ी है, मेरे पास दो या तीन पहले से होंगे, तो दो तीन पहले के, और ये करीब मेरे पास चार से पाँच अब ये हो चुके हैं। सो ठीक है, और अब देख सकते हो कि मैंने इस पूरी जगह को थोड़ा बढ़ा दिया है ताकि कोई भी अगर मेरे यहाँ पर कोई एनिमल स्पॉन हो तो वो इधर उधर भाग ना जाए। ओके, तो देख सक रहे हैं कि मैंने कैसे करके बढ़ाया है, लेकिन अंदर में इस स्नो जनरेटर के अंदर कुछ गड़बड़ है। यहाँ कोई एक्स्ट्रा मॉब आ चुका है। ओके, ये एक बदसूरत सा दिखने वाला स्पाइडर है जो कि मेरे प्यारे से स्नो गोलम के ऊपर अटैक कर रहा है। और यार इसे मारना तो मुश्किल क्यों है, या इतनी इसकी हेल्प तो होती नहीं है, फिर भी मर नहीं रही है। अब मरा। ओके, मैं पहले अपने स्नो गोलम को अंदर डाल दूँ। धकेलना पड़ता है यार। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अगर आयरन गोलम हो तो हम उसे, मतलब उसे वापस ठीक कर सकते हैं अगर वो कमज़ोर होता है तो, बट स्नो को गोलम को कुछ भी करो नहीं, पता नहीं क्यों नहीं होता वो। ओके, आज का मेरा प्लान एकदम सिंपल है। आज हम लोग स्पेस को ख़त्म करने वाले हैं, और स्पेस को ख़त्म करने के बाद हम एक चीज़ बनाने की मैंने सोचा है, तो आज हम लोग वो बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी स्नो अपने गोलम से ले लेना चाहता हूँ, फिर उसके बाद कुछ करना चाह रहा हूँ। मैं तो फिलहाल यही सोच रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, मेरे पास ज़्यादा रिसोर्स फ़िलहाल तो नहीं है। ओके, तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि इस फेस को कंप्लीट किया जाए। तो कर तो दूंगा, बट ये हो तब ना। ओके, लैपिस लज़ुली आ चुका है, मुझे दो लैपिस लज़ुली मिल चुके हैं। अब थोड़ा खुदाई करना चाहिए हमें। और गाइस, अगर आप अभी नल्ले बैठे हो, मतलब कुछ नहीं करो, तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी कम है। सो प्लीज गाइस, कम से कम कर दो। ओके, तो यार ये पीछे से बैकग्राउंड क्यों देता रहता है ये ट्रेन? ओके, मैं क्या करने वाला मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे सारे ब्लॉक्स नीचे गिर जा रहे हैं। तो मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं बस करने में ये वाला हूँ कि मैं नीचे में एक लेयर बना दूंगा ताकि कोई भी ब्लॉक वहाँ से नीचे ना गिरे। तो जल्दी से चलते हैं। ये रहे वाटर बकेट। ये काम थोड़ा सा रिस्की होता है अगर आप नूब हो तो, या फिर आपने जो फ़ोन पे सेटर लगाया हुआ है, या फिर बिहेवियर पैक जो है वो अच्छा नहीं है, या फिर आपके फ़ोन पे लैग कर रहा है, अगर ऐसे कंडीशन हो तो फिर आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम दे सकता है। सो थोड़ा सा एकदम, मतलब थोड़ा चेक कर लीजिए कि लैग नहीं कर रहा है। ओके, तो मैं दिखाता हूँ करना हमें क्या है। कुछ नहीं, हमें भी बस इस पानी के थ्रू, मतलब लिफ्ट जिस तरह हम लोग करते हैं, लिफ्ट वाटर लिफ्ट बनाते हैं, उसी तरह इस वाटर का यूज़ करना है। और मैं जंगल वाले इसका यूज़ करूँगा। ओके, मेरा भी लैग कर रहा है अब। ओके, मैंने मेन वाले में डाल दिया और मैंने जल्दी से निकल गया। अरे अभी मेरे अभी बताएं, अगर ये आयरन बकेट जाती तो मुझे हार्ट अटैक आ जाता। और मेरे पास इतने एक दो फोर स्टैक स्नो मेरे चले जाते हैं। तो मैं जल्दी से सारे चीज़ों को जाकर रख देता हूँ। ओके, मैंने सारे चीज़ों को जाकर के रख दिया है। सो अब हम लोग अब अपनी खुदाई वापस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या। ओके, मुझे आयरन मिल गया, मेरे पास काफ़ी आयरन रख हो गए इस बार। कई सारी यूज़लेस
ओके मुझे फॉक्स मिला, ठीक है ये स्नो फॉक्स है शायद। ओके 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 एक मनहूस सा प्राणी आ गया था। ओके मुझे एक चेस्ट मिल चुकी है जिसमें बैरीज है। मैं मुझे कितनी बैरीज मिली करीब इसमें से 32। इन 32 बैरीज के थ्रू मैं एक फार्म बना सकता हूँ बैरी का। ओके तो स्नो मेरे बेचारा स्नो गोलम अकेला है घर पर, तो थोड़ा टॉर्च लगा दिया ताकि कोई मॉब स्पॉन ना हो जाए गलती से भी अंदर में, क्योंकि वरना मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं थोड़ा सा स्नो देने वाला हूँ क्योंकि मुझे कुछ बनाना है, बनाना नहीं मतलब बनाना है, मतलब बनाना है लेकिन वो बनाने वाला बनाना है नहीं, मतलब बनाने वाला बनाना है, तो मुझे बनाने वाला बनाना है तो दे लूँ। ओके तो हो चुका है काम स्टार्ट। ओके तो मैं दिखाता हूँ मुझे जो बनाना है वो क्या बनाना है। तो मुझे ये बनाना है, यहाँ पर एक बनाना बनाना है, मतलब एक आइलैंड बनाना। ओके तो वहाँ का मैक्सिमम काम पूरा हो चुका है, अब मुझे यहाँ पर बस इस ट्री को उगाना है क्योंकि मुझे वहाँ पर टॉर्च लगानी होगी। तो मेरे पास लकड़ियाँ नहीं है तो मैं इसका हेल्प लूँगा इसे, तो मैं जल्दी से सारा काम कंप्लीट कर दे रहा हूँ वरना बोर हो जाओगे। ओके मुझे ये वही पुरानी वाली चेस्ट ही है। सो अब हम लोग थोड़ा इस फेज को कंप्लीट करते हैं बिकॉज हमें इस फेज से निकलना है, ये काफ़ी बोरिंग फेज हो गया मेरे लिए बिकॉज मैं दो वीडियो में एक ही फेस पे नहीं रहना चाहता किसी भी कीमत में। काफी बोरिंग है भाई, काफी 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 बोरिंग है। ओके 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 मुझको गोल्ड मिला है, अपुन बनेगा माइनक्राफ्ट का बप्पी लेडी। मेरी समझ नहीं आ रहा मतलब मैंने अभी दो खोदा और दो कहाँ चले गए। कुछ 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 तो अच्छा दे दो भाई, कुछ तो अच्छा दे दो। मैं कपड़े पहन रहा हूँ ठीक है, इसका रीज़न ये है कि थोड़ा मतलब हैंडसम लगो, और वो जो बदसूरत सा जानवर था आया था स्केलेटन का बच्चा, तो स्केलेटन नहीं है वैसे, तो वो वापस ना आ जाए, वो मुंह उठा करके हर बार आ जाते हैं। ओके 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 दिल वाली चेस्ट मिली है, दिल वाले लुटने दे ओ, क्या ही चीज़ मिली है। मैं इसे वाटरमेलन फार्म बना सकता हूँ, मुझे एक पोशन मिला है और वो भाई साहब मतलब काफ़ी ओपी है। और मैं जल्दी से इसके सारे सामान को जाकर के रख देता हूँ क्योंकि मैं किसी की मदद नहीं चाहता कि ऐसी इपिक चीज़ें मेरे से खो जाए। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे मिली है, आई नो मुझे इसका यूज़ करना नहीं आता बट मिली है। तो अब मैं दिल वाले चेस्ट को तोड़ रहा हूँ, दिल वाले टूटे जे टूट जो भी होता है। तो एक भालू मिला और इसे मैंने मारा देखने के लिए कि क्या इसे लगती है, तो हाँ भालू को चोट लगती है। सो यस गाइस हमने एक्सपोज किया कि हाँ भालू को चोट लगती है इस गेम में। सो यूजलेस नहीं काम करो। ओके 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 एक और वो बदसूरत जैसा स्केलेटन का बच्चा आ चुका है, वो इसका नाम मैं भूल चुका हूँ। ये मेरे को मारे जा रहे हैं। मैंने ओके मैंने इसे वापस ढकेल दिया और इसने मुझे कोई पॉइजन दिया है, ये शायद है स्लोनेस का पॉइजन है। जिमसी दिखा रही मतलब हाँ स्लोनेस ही हो। एक और बार मेरे को आयरन मिल गया, अपन बनेगा माइनक्राफ्ट का आयरन मैन। आयरन क्योंकि मेरे पास आयरन है तो मैं, अरे यार ये स्लो, इसको देखिए दो बार लगातार स्पॉन हुए यार मेरी तरफ से। 21 सेकेंड रहेगा ये स्लोनेस का पॉइजन भाई। ओ भाई 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 वाह, इसने मतलब जाते जाते मेरे को एक हेडशॉट दिया। अभी लगातार 3 स्पॉन हो चुके हैं मतलब कुछ भी। ओके एक और चेस्ट मिल गया, मुझे काफ़ी चेस्ट मिल रहे हैं इस केस में। ये है मैं इस चेस्ट का नाम जाता हूँ, ये है आयरन गोलम चेस्ट, स्नो गोलम चेस्ट। इतना स्नो मतलब ये स्नो गोलम के लिए स्पेशल था। मुझे एक और चेस्ट मिल गई। ओ भाई साहब अब देखिए गाइस देखो, अब मैं बता रहा हूँ मैं पक्का बनूंगा माइनक्राफ्ट का बप्पी लेडी। मेरे को गोल्ड मिल चुका है, इतना गोल्ड इतनी खुशी, मेरे को डायमंड भी मिल जाए इसी तरह, अरे भाई मजा ही आ जाएगा, मतलब कहते जहर हो रखेगा। एक भालू आया,
मैंने इसे ढकेल दिया क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे पोलर बियर्ड है। ओके ओके, एक और चेस्ट मिल गई मुझे, एक और चेस्ट। और ये पहले वाले की ही तरह बैड़ी वाली चेस्ट है, मतलब मेरे पास कुल मिलाकर 1 स्टैक हो चुके होंगे बैड। धंधा डबल। ओके और आई डोंट नो, पता नहीं ये फेस कब तक चलने वाला है, बिकॉज मेरे को खो देती भी। ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई क्या ही किस्मत हो गया, ख़त्म हो गया फाइनली। ओके तो ये फेस ख़त्म हो चुका है, मैं सारे सामान को इसके रखने वाला हूँ, बिकॉज और कोई काम जिंदगी में बचा नहीं है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। ओके अब इसके बाद वाला फेस है, ये है डेजर्ट फेस आ चुका है। सो अब हम लोग जान चुके हैं हमें अगले वीडियो में क्या करना है। सो गाइज एक दिक्कत हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़। देखो गाइज मेरे पीछे कासल देख रहे हो, मैंने इसे बनाया और मतलब मैं गेम से एक्सिट किया था इसलिए ताकि मैं ये सेडर जो चेंज कर सकूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं दिखा था उस सेडर में, तो मैंने चेंज किया। बट उसके बाद जब मैं गेम में आके कासल बनाया, उसके बाद उस टाइम मैंने वीडियो स्टार्ट करना भूल गया था। मेरे को लगा वीडियो स्टार्ट है, बन रही है, बट बाद में देखा बनी ही नहीं है। बट गाइस कोई बात नहीं, क्योंकि ये कोई खास कासल कुछ नहीं है, बस ऐसे मैंने नॉर्मली से बना दिया, तो इसलिए इसके ट्यूटोरियल देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी मे बी। बट अगर आप चाहेंगे तो मैं कोई अच्छा सा स्नो कासल का बना ट्यूटोरियल ले आऊँगा। और मेरे इस कासल में कोई कई सारे जानवर आ गए हैं। मैं क्रीपर को स्नो से मारना चाह रहा हूँ, बट मेरा टारगेट इतना घटिया है क्या ही बताओ कितना घटिया है। अरे भाई 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 भाई, ये छोटा बच्चा लग स्नो से मारने के चक्कर में से नहीं मार पाया, क्या ही पागल है यार हम। नहीं गाइस इस बार हम अपने पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, पूरे वेपन्स लेके जाएंगे हम लोग अपने साथ। ओके मैं आ चुका हूँ और ये जो है इसे मैं ढकेलूँ, और ये मेरे प्यारा स्नो को उनको इसने मार दिया। गाइस देखो उसने मेरे स्नो को उनको मारा है, इसकी सजा इसे मिलेगी, बराबर मिलेगी। मेरे पास एक ही स्नो गोलम था। गाइस देखो अब मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला, मैंने अपने साथ वो आयरन के शॉर्ट सब ले लिए, और मैं इसका, इसके दोस्त का, इसके पड़ोसी का बच्चे, पड़ोसी के बच्चे के दोस्त के कुत्ते, सबका नाम निशान मिटाने वाला हूँ। सबसे पहले बारी आएगी इसकी, क्योंकि ये वही जॉम्बी है, मतलब ये भी जॉम्बी है, और इसके बाद दो और है, तो मैं इसे वो से नहीं, मैं इन्हें आयरन के शॉर्ट से मारूंगा। देखो तुम लोग को मैं नहीं मारने वाला था, लेकिन तेरे भाई के चाचा के दोस्त के लड़के ने मेरे गोलम को मारा। ओके एक और आ गया हेलमेट पहनकर, इससे लग रहा है कि ये इस हेलमेट से मेरे से बच जाए, बहुत बड़ी इसकी गलतफहमी। इसने मुझे एक हेलमेट भी दे दिया, वाओ। ओके अब ये स्पाइडर आ रहा है यहाँ पर, ये स्पाइडर को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं इसका भी काम तमाम। और यहाँ पर कोई है, एनीवन हियर, कोई और है, कोई और? ओके तो यहाँ कोई नहीं है। गाइस देखो मेरा गोलम चला गया, तो इसकी याद में मैं उसे श्रद्धांजलि दूंगा। ये उसकी स्नो जो मुझे उससे मिली थी, मैं इसे वर्ल्ड में फेंकने वाला हूँ। गाइस हम सभी को सर झुका करके उसे श्रद्धांजलि देनी चाहिए, और मैं उसके लिए चाह रहा हूँ खुद भी सुसाइड करने। सो गाइस एक लाइक मेरे उस स्नो गोलम के लिए प्लीज़ गाइस, 1 लाइक फॉर बेचारा स्नो गोलम।